हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, एक और नया दिन और एक और नए ब्लॉग के साथ मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज जो है सैटरडे है और टाइम हो रहा है लगभग साढ़े दस बजे, और यहां आप टाइम देख सकते हो 11:05 हो चुके हैं। थोड़ा सा ब्लॉग जो है लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई गाँव में सर्दियों के टाइम में लेट ही उठा जाता, तो मैं भी जस्ट अभी उठा और मैंने सोचा क्यों ना एक नए ब्लॉग की शुरुआत की जाए। और हम आगे धूप सेकने खड की तरफ, जो अपनी बाबड़ी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आज जो है गाँव में धूप निकली है। और मेरे साथ एक मेरा भाई आया है, साहिल शर्मा। तो इन्होंने बोला क्यों ना हम घूम के आएँ। तो कहाँ घूमना है भाई? सर चलते हैं, आगे चलते देखते हैं, रामधाम जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ आपको जैसे पता है कि रामधाम बना है, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। बाकी आज पूरा का पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे कि हम पूरे दिन में करते हैं। तो ज़रूर से एक बात करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है हम चलते हैं रामधाम की तरफ। सामने की तरफ आप देख सकते हो हम जा रहे हैं रामधाम की तरफ। और दो दिन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और इस साइड अगर आप देखोगे, ये है हमारी बाबड़ी जो कि आपने पहले देख ली है। तो चलते हैं जल्दी से रामधाम की तरफ और आगे जो है ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सामने आप झंडे वगैरह देख सकते हो, यहीं से रास्ता होगा रामधाम को। तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे, प्यारा सा क्यूट सा टफी जो है चल रहा है, इसका नाम टफी है, टफी। तो अभी इसके साथ थोड़ी देर खेल लेंगे। तो अभी देख सकते हो कितना प्यारा है टफी। भाई ये अभी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, टफी। तो देख सकते हो अभी मतलब ये खेलने, तो देख रहे कितना ये एक्साइटमेंट में खेल रहा है। ये भी धूप सेकने आया है और कितना प्यारा है टफी। हेलो बोलो सबको, हेलो। जिंदा निस्खाया निस्खाया नहीं है ना। तो देख रहे हो गाइस कैसे तो गाइस ये अभी थोड़ा अलग मूड में है, इसका मूड कुछ और है, तो दूर रहना है। देख रहे हो टफी। तो अभी टाइम है इसको बाय बाय कहने का, ये भी थक चुका है। तो चलते हैं बाय बाय। और सबको बोल दे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, कल भी इसको आपसे मिलाएंगे। तो चलते हैं रामधाम की तरफ और आगे देखते हैं क्या होता है। से यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे आज सैटरडे का दिन है, तो खेलने कूदने आए हैं। तो अगर आपको रामधाम का एक अलग से ब्लॉग चाहिए होगा तो ज़रूर से कमेंट करना, मैं पूरा का पूरा रामधाम का ब्लॉग बनाऊंगा। यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करवाते हैं, बाकी जितने भी स्कूल वगैरह हैं वो पिकनिक के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आज सैटरडे है और न्यू ईयर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए आएंगे। और यहाँ पे एक और नया फीचर बोल सकते हैं जो कि ऐड कर दिया। पहले तो ये जो था, पहले तो यहाँ पे जस्ट राम सेतु बनाया था, अब जो है वहाँ पे आप देख सकते हो नाव भी लगा दी गई है। और भाई पानी में अगर आप देखोगे सामने की तरफ, काफ़ी ज़्यादा सिक्के ही सिक्के फेंके गए हैं। तो यहाँ पे जो है इस नाव की पर्ची बनाई जाती है। अगर आपको भी इसमें झूलना है तो पहले आपको टिकट कटवानी पड़ेगी, फिर आप इस नाव में बैठ सकते हो और पूरा एंजॉय ले सकते हो, सवारी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है शुरू हो चुकी है। तो आंटी हैंडल भी दे रखा है आपके इधर, रेड वाला। तो कुछ इस तरह का यहाँ का माहौल है, आप चारों तरफ का देख सकते हो। धूप में सारे के सारे जो बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। और हम भी अभी मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ मिलते हैं। रामधाम का तो हो गया, ऐसे ही दिन का आज पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो मिलते हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों अभी जो है हम घर पहुँचे थे जस्ट घूम घाम के, जैसे कि आपको पता है रामधाम गए थे, बाकी फ्रेंड वगैरह मिले थे। तो घूमने के बाद जस्ट अभी हम घर पहुँचे हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना नहा के जल्दी से रेडी हो लिया जाए, क्योंकि भाई सुबह से जस्ट उठे थे, ब्रश व्रश किया और फ्रेश भी नहीं हुए थे ढंग से। तो अभी मैंने सोचा नहा लिया जाए और फिर रेडी होते हैं दोपहर के खाने के लिए। तो अभी जस्ट मैंने हमारे देसी भाषा में बोला जाता है माम, तो मैंने वो जला लिया है।
है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे, तो ये है देसी जुगाड़ जो कि ज़्यादातर गांव में यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं पानी गर्म करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गैस कुछ इस तरह से ये होता है। यहाँ पे जो है आप बीच में इसके आग जलाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जलाई है, और ये पूरा का पूरा जो है भाई धीरे धीरे गर्म होगा, और जो पानी है वो इस वाले नल से आएगा, और ठंडा पानी आपको, जैसे ही आप ठंडा पानी यहाँ डालोगे गर्म पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इसमें पानी स्टोर रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जो गर्म पानी हो चुका है और धुआं निकलना शुरू हो चुका है। बट इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो भाई आना शुरू हो गई है, ये जो है नीचे से फटना फट गया है, तो इससे पानी जो है लीक हो रहा है। तो देखते हैं इसमें अब क्या किया जा सकता है, इसका भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से जो है महाम यहाँ पे लगाया जाता है, और मैंने वो जला दिया है, अच्छी तरह से जलना शुरू हो गया है। और इस तरह से जो है महाम हम यूज़ करते हैं। तो जल्दी से नहा लेते हैं दोस्तों, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। A few minutes later. तो दोस्तों अभी जस्ट मैं नहा के फ्री हुआ था, और फ्रेश आप देख सकते हो गया था, और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:30 बज रहा है। तो ये टाइम है लंच करने का, तो अभी जस्ट लंच करने जा ही रहे थे। तो भाई रास्ते में मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी, जो कुत्ते और बिल्ली की प्यार भरी स्टोरी है। ये मैं आपको भी जस्ट दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके, मेरे को धीरे धीरे जाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये भाग ना जाए बिल्ली। तो मैं जस्ट बैक कैमरा ऑन करता हूँ, और आज जो हमारा लंच होगा वो हमारे घर में नहीं होगा, क्योंकि आज का जो लंच है वो हमारे गाँव में विलेज में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाँव में कैसे हम लंच वगैरह करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं पहले जल्दी से बिल्ली वाला शो आपको दिखा लूँ। तो दोस्तों ऐसा प्यार आपने पहली बार देखा होगा। ये दो दोस्त हैं आपस में खेलते रहते हैं। तो टाइगर टाइगर ये क्या करा है तू, दोस्त भी बनाया था अपनी जाति की नहीं बनाया था हैं? देखो लगा के कू गई है, नहीं दोस्त भी बनाया था नहीं बाहरली प्रजाति की बनाया, अपनी प्रजाति नहीं देखी काके चल नाम तो दिता नहीं। तो यहाँ पे हमारी हिमाचली धाम की प्लेट जो है लग चुकी है, और सामने की तरफ से आप देखोगे यहाँ हमारे बोटी साहब जो हैं मदरा लेके आ चुके हैं। तो जल्दी से खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आग जला के रखी है, सारे के सारे यहाँ पे आग सेक रहे हैं ठंड के मौसम में, और इसके ऊपर जो है गर्म पानी रखा गया है कढ़ाई में। तो यहाँ पे भाई जी हैं और सारे के सारे साथ में काम कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है भाई, ठंड कैसी है? ठंड ज़्यादा नहीं है भाई, तो हल्की है। तो सारे के सारे आज न्यू ईयर इसी आग के साथ सेलिब्रेट करेंगे, और यहाँ पे भाई जी भी हंस रहे हैं, भाई कर दिया जय हो। तो ऐसे ही आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा काम रह गए बाकी बंदे आगे, ये कंप्लीट करने के बाद जल्दी से मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। 2 hours later. तो दोस्तों जैसे ही हम बर्तन वगैरह रख के सारा का सारा फ्री हुए थे, उसके बाद हमारा एक प्लान बन गया कि क्यों ना न्यू ईयर है तो हम एक लास्ट राइड घूम के आएँ। तो एकदम से हमारा प्लान बना था, और अभी हम जो है जा रहे हैं सुजानपुर की तरफ, और मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो अभी जस्ट चलते हैं सुजानपुर की तरफ, और थोड़ा वहाँ पे चिल भी करेंगे और खा पी के वापस आते हैं, और ऐसे ही ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पे अपने फेवरेट जो है सिंगर ऑलवेज सिद्धू मूसेवाला 2022 में भी वही रहेंगे, और वो 2023 में भी वो भी बजते रहेंगे। तो अगर आप सिद्धू मूसेवाले को लाइक करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और भाई कुछ यो सिद्धू मूसेवाला। तो दोस्तों फाइनली अभी जो है हम पहुंच चुके हैं बाजार में, मेन सुजानपुर का जो बस स्टैंड है, और अभी जस्ट टाइम की बात करूं तो 8:30 का टाइम हो रहा है, और सारा का सारा जो मार्केट है वो ज़्यादातर क्लोज हो चुका है। इतनी लाइट काके भाई बंदे ने मिले। तो ये है सारा का सारा, एक बार मैं व्यू दिखा दूं, सामने की तरफ देख सकते हो गवर्नमेंट की वोल्वो खड़ी है, जो कि देखना पड़ेगा कहाँ, शायद दिल्ली वगैरह के लिए है। तो उतरते हैं थोड़ा देर सुजानपुर में, मस्ती वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं सामने की तरफ देख सकते हो सारी की सारी जो गवर्नमेंटेड बसें हैं वो अभी आती हैं। तो फाइनली आपको अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, हम जो है थोड़ी सी मस्ती वस्ती करते हैं और अपने भाई के साथ मिलते हैं, और फिर जो है अपना काम करके घर की तरफ रवाना होते हैं। तो
हमारे यहाँ एक भाई जी हैं, उनसे मिलते हैं। तो भाई की दुकान में हम आए हैं और हेलो भाई, हेलो हेलो। तो हेलो, और कुछ यहाँ पे देख सकते हो खाने पीने का सामान लेते हैं। गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बने हैं और यहाँ पे समोसे और यहाँ पे पकोड़े और इस तरफ भाई ने मोमोज भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म भाप निकलती है मोमो से, मोमो से भाप निकल रही है, देखो गर्मा गर्म मोमो। और यहाँ पे बना शाही पनीर वगैरह बन रहा है, शाही पनीर। तो ये ऑर्डर पे होता भाई है, जब मर्जी, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी 5 मिनट में रेडी मिल जाता है आपको। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, तंदूरी पनीर, यहाँ की जलेबी मस्त रहती है। जलेबी है बोले भाई, जलेबी खत्म हो गई अभी। तो अभी केक्स वगैरह मिलेंगे, पेस्ट्रीज वगैरह। तो मैं एक बार आपको दिखा, तो भाई के पास जब मर्जी आ जाइए, हर कैफे सुजानपुर, जब मर्जी आ जाइए, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। मैं तो स्पेशली इनके पास आता हूँ, जो भी चीज़ चाहिए। तो खाने पीने का आप पूरा का पूरा देख सकते हो, जो भी आपको स्वीट्स चाहिए हो और बाकी। कैसे भाई, आज के खिला रहे हैं न्यू ईयर पे? हैप्पी न्यू ईयर पर जो मर्जी खाओ, आज पिज्जा है, आज पिज्जा भी है, चाउमीन है, मोमो है भाई, आपके खिला रहे हो, जो आप बोलेंगे, शाही पनीर, शाही पनीर मिल जाएगा। तो हम भी कुछ लेते हैं, देख सकते हैं पूरी की पूरी दुकान में जो है। और एक लेंगे कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे सारे के सारे जो केक्स हैं आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वो हैं कलर के साथ। हेलो तो कर दो भाई, शर्मा रहे हो, शर्मा दे भाई यार। अरे भाई खाने के लिए यहाँ अरे जी। तो दोस्तों अब जो है घर वापसी हो रही है, तो सारी की सारी जो सुजानपुर की मार्केट है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। और आगे चल, आगे इतनी नहीं बढ़ना, वो परे इतनी नहीं लेना, इतनी जान पा रही है, इतनी रुकी लेता है, इतनी ले ली है। तो अभी कुछ थोड़ा सा सामान है वो लेते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों ये जो है मेन मार्केट से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, और अब जो है घर वापसी का टाइम हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी जो हमने थी वो उठा लिया है असला बारूद। और यहाँ पे है हमारे पास कुरकुरे का पैकेट, और हमने एक अदिया भी लिया है, आपको दिखाते हैं। तो का क्या अदिया पीना था? तो दोस्तों ये हमारा अदिया है, पानी के साथ लगाएंगे इसको। और चकना हमने ले लिया है, अदिया एक बार देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह से है। और न्यू ईयर कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो रास्ता नीचे की तरफ जाता है, ये जाता है हमारे घर की तरफ। और इस बार जो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग की एंडिंग करूँगा, वो करूँगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि अब टाइम हो गया है ब्लॉग एंड करने का, और काफ़ी लंबा ब्लॉग पहले से ही बन चुका है। तो आप लोग ज़्यादा काफ़ी पसंद नहीं करते हो ब्लॉग को, तो यहीं पर ब्लॉग एंडिंग करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सारा का सारा दिन था। तो अब जो है टाइम आ गया है ब्लॉग को एंड करने का। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं आपको 2023 में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर, भगवान करे आपका दिन शुभ हो और आपका आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहे। तो मिलते हैं, बाय बाय।